अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2023 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 7 सितंबर 2023 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, हम इस वीडियो में देखेंगे कि जिन बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया या नहीं कर पाए किसी भी कारणवश, तो क्या उनका एडमिशन हो सकता है। एडमिशन के लिए दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होगी, देखिए अगर आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं बने होंगे तो भी आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। कितने बच्चों ने फाइनली आवेदन किया देख सकते हैं। डीएलएड में प्रवेश को 3,36,000 आवेदन हो चुका है। प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर करने का असर नजर आ रहा है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में डीएलएड ही मान्य रहेगा, सुप्रीम कोर्ट से अपडेट है। इसको ध्यान से सुनिएगा। एक बात आज आपको बता दें, जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती होती है वो क्लास 1-5 के लिए होती है। उसके बाद दोस्तों जो जूनियर की वैकेंसी आती है 6-8, ये वैकेंसी आती ही नहीं है। जो प्राइमरी के टीचर रहते हैं उनका ही दोस्तों जब आपका प्रमोशन होगा आगे चलकर, तो दोस्तों आपको जूनियर में प्रमोट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बीएड करने का मतलब है दोस्तों आपको 9 से लेकर 10वीं तक के टीचर आप बन सकते हैं। बाकी 11वीं से 12वीं के लिए आपको पीजीटी करना, ठीक है, मतलब दोस्तों आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, उसके बाद आप पीजीटी के माध्यम से यहाँ पर टीचर बनेंगे। तो अब आपके ऊपर है कि आपको डीएलएड में एडमिशन लेना है कि बीएड करना है, ठीक है। हमने आपको एक सिंपल से आसान तरीके में आपको समझा दिया कि बीएड करने के बाद अब आपके पास विकल्प यही है। इसमें मौका जरूर मिलता है, लेकिन जब वैकेंसी नहीं आती तो मौके का मतलब क्या है। एक बात जरा सुनिए, शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्रीधारियों को लग सकता है झटका। तो ये दोस्तों वैकेंसी है बिहार शिक्षक भर्ती की। चलिए हम बात कर लेते हैं पहले एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो जो हमारा रजिस्ट्रेशन पार्ट वन था दोस्तों, उसकी डेट थी 31 अगस्त तक, फीस सबमिट की डेट थी 2 सितंबर तक, और लास्ट डेट टू सबमिट कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म 5 सितंबर। सारी डेट यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब दोस्तों हमारा रिजल्ट घोषित होगा, परिणाम, ठीक है। अब आप लोग का रिजल्ट आने वाला है, ठीक है ना। जैसे आपने बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा तो रिजल्ट आता है, तो यहाँ पर जो रिजल्ट होता है वो मेरिट लिस्ट का रिजल्ट रहेगा कि आपकी दोस्तों जो पहली मेरिट लिस्ट आएगी वो आएगी 12 सितंबर को, ठीक है। ऑनलाइन काउंसलिंग जो शुरू होगी वो 15 सितंबर से शुरू होगी, ठीक है। अब देखिए सवाल यहाँ पर ये कि 15 सितंबर को कौन से बच्चे काउंसलिंग कर पाएंगे, ठीक है, सब कुछ हम आपको बताएंगे। अगर अभी तक आपने इसको प्रिंट आउट नहीं निकलवाया तो इसका प्रिंट निकलवा लीजिएगा, इसकी जरूरत आपको एडमिशन के समय पड़ेगी, ठीक है, इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, इसलिए बता रहे हैं। और आपका दोस्तों यहाँ पर जो नंबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपने हाई स्कूल में क्या नंबर डाला था, 12वीं में, ग्रेजुएशन में। अब देखिए एक बात और आपको बताते हैं, कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा कि हमने डीएलएड का फॉर्म भर दिया है, क्या अभी हमें ऑनलाइन करेक्शन का कोई मौका मिलेगा। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, डीएलएड या बीटीसी में फॉर्म आप भरते हैं तो उसके बाद सीधे रिजल्ट आता है, कोई भी ऑनलाइन करेक्शन का मौका नहीं दिया जाता। फॉर्म भरते समय गलती आपने कर दी तो फिर आपने गलती कर दी है, ठीक है। एक ही विकल्प रहता है कि आप नया रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, नए ईमेल आईडी से, नए मोबाइल नंबर से, वही था। अगर आपने उसको भी नहीं किया, गलत तरीके से फॉर्म भर दिया है, तो अगर इसमें आपने गलती कर दी, देखिए जैसे आपके हाई स्कूल में 87.4% थे, अगर आपने गलती से हाई स्कूल में दोस्तों क्या कर दिया, 88.4 कर दिया, आपने 1% बढ़ा दिया, या गलती से 87.5 भी कर दिया, तो ये दोस्तों जो गलती होती है 0.1 अंक बढ़ाने की, ये भी बहुत बड़ी गलती होती है। तो फिर आपको एक काम करना है, फिर आपको दोस्तों डायरेक्ट एडमिशन का ही विकल्प चुनना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसके बाद दोस्तों अगर आपने काउंसलिंग करा ली, अलॉटमेंट आपको मिलेगा, लेकिन जब आप लोग नंबर मिलाने जाएंगे तो फिर ये गलत माना जाएगा। अब एक बात आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि गलती क्या हो सकती है। देखिए जैसे मान लेते दोस्त यहाँ पर इसके ग्रेजुएशन में 67 है, अब मान लीजिए गलती से 67 जगह 97 डाल दीजिए, गलती तो होनी है, ठीक है। तो जब आप इतना ज़्यादा नंबर गलती से लाएंगे तो आपको मिल जाएगा सरकारी कॉलेज, लेकिन सरकारी कॉलेज मिलना किसको चाहिए, जिसके ज़्यादा परसेंटेज है। अब किसी बच्चे के कम परसेंटेज थे लेकिन उसने जानबूझ के गलती की, चाहे जानबूझ के की चाहे गलती से गलती की, उस वजह से उसको सरकारी कॉलेज मिल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में उन बच्चों का जो आवेदन रहता है उसको निरस्त कर दिया जाता है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, एडमिशन मिलेगा। डायरेक्ट एडमिशन का दोस्त एक प्रोसेस होता है, लेकिन उसके लिए भी दोस्त आपको जो ये रजिस्ट्रेशन है ना ये करना जरूरी होता है, ठीक है। एक और दोस्तों तरीका होता है डायरेक्ट एडमिशन का, जो होते हैं माइनॉरिटी के कॉलेज कुछ, ठीक है। तो वहाँ पर दोस्तों आप लखनऊ में ऐसे कॉलेज है वहाँ पर जाकर आप संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पर बिना आवेदन के भी आपका, ठीक है, एडमिशन होगा। लेकिन देखिए वहाँ पर फीस आपको ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ती है, जो यहाँ पर दोस्तों आपको 1 साल के 41,000 प्राइवेट में देनी पड़ेगी। हो सकता है कि वहाँ पर 1 साल का 1 लाख रुपये मांग सकते हैं, हो सकता है कि 41,000 में भी बात बन जाए, ठीक है ना। तो ये दिक्कतें रहती हैं, इसीलिए कहा जाता है कि भैया फॉर्म भर दीजिए।
आप लोग देखते नहीं, बाद में बड़ी गलती करते और फॉर्म भरते समय दोस्त यहाँ पर डिक्लेरेशन भी आप क्लियरली बोलते कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि ऑनलाइन आवेदन में भरी गई समस्त प्रविष्टियाँ मेरे पास उपलब्ध अभिलेखों पर आधारित है एवं व्यक्तिगत जानकारी में सही एवं सत्य है। देखिए आपने यहाँ खुद प्रमाणित किया और आपसे गलती हो गई फॉर्म भरते समय, तो ये देखिए बड़ी गलती है, ठीक है ना। तो इसको जरा ध्यान दीजिएगा क्योंकि दोस्तों देखिए अब आगे का प्रोसेस क्या होगा, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताते हैं डिटेल में, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखिए यहाँ पर शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के साथ न्याय करे सरकार, ये दोस्तों 69,000 भर्ती से अपडेट आती है, ठीक है। इसको छोड़ते हैं, देखिए अब दोस्तों आपने ऑनलाइन जो फॉर्म भरना था उसका प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, ठीक है, ये प्रोसेस हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होगा वो 12 सितंबर को रिजल्ट के साथ शुरू होगा। 12 सितंबर को जो हमारा रिजल्ट घोषित होगा उसमें रैंक लिस्ट जारी की जाएगी कि आपकी रैंक कितनी आ रही है, ठीक है। आप लोगों की रैंक दोस्तों हो सकता है 1 से लेके 1 लाख तक की रैंक जारी अगर की जाती है, क्योंकि 2 राउंड की ही काउंसलिंग इस बार होगी, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड राउंड होगा वो डायरेक्ट एडमिशन का हो सकता है। तो 1 से लेके 1 लाख तक की जिन बच्चों की मान लेते हैं रैंक, अगर 1 लाख तक के अगर ये मौका देते हैं मान के चल रहे हैं, तो अगर आपकी रैंक फर्स्ट से लेके 1 लाख तक है तो आप लोग दोस्तों सबसे पहले करेंगे चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग में दोस्तों आप लोग कॉलेज का नाम देंगे कि आपको कौन कौन सा कॉलेज लेना है। जैसे मान लेते हैं आप लखनऊ के रहने वाले हैं, ठीक है, तो आप लोग अपना लखनऊ का ओपन करेंगे तो वहां पर सबसे पहले आप क्या करते हैं, लखनऊ का डायट डालेंगे नंबर 1 पर, ये अधिकांश जो बच्चे करते हैं। सेकंड पर दोस्तों आप लोग अपना प्राइवेट कॉलेज देखेंगे जो आपको पसंद है, ठीक है। थर्ड पर दूसरा कोई प्राइवेट कॉलेज होगा, फोर्थ पर और कोई प्राइवेट, या दोस्त ये भी कर सकते हैं पहले पर आप डाल सकते हैं लखनऊ का डायट, ठीक है। अगर आपके जिले के पास से कोई दोस्त दूसरा जिला है तो आप वहां डाल दीजिए रायबरेली डायट, ठीक है। ऐसे भी दोस्त आप एक विकल्प चुन सकते हैं, तो ये आप पर टोटली डिपेंड करेगा कि आपको क्या विकल्प देना है, ठीक है ना। तो आप चाहिए तो दोस्त देखिए उत्तर प्रदेश में टोटल 67 डायट कॉलेज हैं, तो बहुत से बच्चे ये होते हैं कि 67 के 67 डायट कॉलेज का नाम डाल देते हैं। देखिए एक बात और समझ लीजिए, अगर आप अपने घर से जाकर दूर कहीं पर BTC में DLED करेंगे तो वहां पर आपको हॉस्टल लेना पड़ेगा, रूम लेना पड़ेगा, तो कुल मिला के आपका खर्चा फिर 41,000 के आसपास पहुंच ही जाता है। तो ये दोस्तों आपको डिसाइड करना है कि आपको कम पैसे में DLED करना है, ठीक है, या अपने घर में पास करना है, या जैसे भी आपको ठीक लगे। एक बात और आपको बताते, बहुत से बच्चे वो होते हैं जो प्राइवेट नौकरी के साथ साथ भी DLED करते हैं, तो वो बच्चे प्राइवेट कॉलेज का ही विकल्प चुनते हैं। उसका रीजन ये होता है कि भैया वहां पर क्या करते हैं, 41,000 फीस दे दी है, उसके बाद क्लास नहीं करना होता है, बहुत से कॉलेज ऐसे हैं। लेकिन ये बात आप एडमिशन से पहले क्लियर कर लेंगे। देखिए एक बात सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नहीं तो ये बात है आपको कोई नहीं बताता है। देखिए जब आपका एडमिशन हो जाएगा आपको 2 साल क्लास करना पड़ेगा, ठीक है ना, रोज कॉलेज जाएंगे, अभी आपके पास समय है, ठीक है। जिस भी कॉलेज को आपको मन कर रहा कि भैया ये वाले कॉलेज हमको लेना है, एक दिन दोस्तों समय निकाल लीजिए, एक दिन आपका लाइफ चेंज कर सकता है, 1 डे बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जाइए कॉलेज में बात कर लीजिए, सर आपके यहाँ फीस कितनी लगेगी, ठीक है। फीस वाला मैटर हर कॉलेज में फंसता है, तो बहुत से बच्चे जाते पूरा तैयार करवा लेते, कॉलेज वाले बताते कि हम 41,000 ये फीस लेंगे, प्रैक्टिकल में इतना लेंगे, ठीक है, और एग्जामिनेशन फॉर्म की फीस ये लेंगे, बाकी जो भी फीस हो। कुछ जगह दोस्तों कॉलेज वाले एक नंबर के क्या बताएं, ऐसे होते हैं कि आपसे कहेंगे भैया ड्रेस का भी आपका पैसा लगेगा, आपको हम कॉपी किताब भी देंगे, बुक भी देंगे, ठीक है। बहुत से कॉलेज में ऐसा भी देखने को मिल सकता है। तो ये सब बातें आप पहले से क्लियर रखेंगे। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपको कुछ फायदा होना चाहिए ना वीडियो देखने का। आप बताइए ऐसे ही चले गए रैंडमली कोई भी कॉलेज का नाम ले, देखिए बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 50% बच्चे क्या करेंगे हम बता रहे हैं, कुछ नहीं घर में सो रहे होंगे, ठीक है। चॉइस फिलिंग शुरू होगा 15 तारीख से, ठीक है, पहला तो डायट डाल देंगे, उसके बाद जो भी कॉलेज मिलेगा अपने मन से 10 कॉलेज का नाम को दे दें, उसमें से मान लेते 5वें नंबर का कॉलेज उनको अलॉट हो गया, कॉलेज के बारे में वो कुछ नहीं जानते, सोचते हैं भैया चलो ठीक है ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है। कॉलेज आपको अलॉट होगा 5,000 या 10,000 जो भी पेमेंट करेंगे, उसके बाद दोस्तों अलॉटमेंट लेटर आपको मिल जाएगा फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर दोस्तों जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म रहेगा ये वाला आप रखेंगे, ठीक है। आपको बता दें जब आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है तब भी आपको एक बार कॉलेज जाना पड़ता है, कॉलेज वाले एक आपको लिस्ट देंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होगी, हम आपको नॉर्मल बता दे रहे हैं क्या मांगेंगे, अलॉटमेंट लेटर और दोस्तों रजिस्ट्रेशन फॉर्म, थर्ड पर आपका हाई स्कूल 10वीं का रिजल्ट और सर्टिफिकेट, चौथे पर आपका 12वीं का रिजल्ट सर्टिफिकेट, 5वें पर आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो भी रहे, छठे पर दोस्तों आपका अगर OBC SC ST EWS से हुआ है तो जाति प्रमाण पत्र आपका लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट, 7वें पर दोस्तों आपका निवास प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है, डोमेसाइल सर्टिफिकेट, 8वें पर दोस्तों आपका वही आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी आपने ID दिया वो, 9वें नंबर पर दोस्तों आपसे एक शपथ पत्र लिया जाएगा, एफिडेविट लिया जाएगा, 10वें नंबर पर दोस्तों कुछ और भी
चीजें आपसे ली जा सकती हैं, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट अभी नहीं लिया जाता, वो स्कॉलरशिप फॉर्म भरते समय आप देंगे इनकम। और आपको बता दें स्कॉलरशिप कौन सी कैटेगरी में अच्छी आ रही फिलहाल यूपी में, जब से योगी जी की सरकार है तो भैया ओबीसी कैटेगरी की स्कॉलरशिप कुछ खास नहीं आती, ठीक है, ना के बराबर स्कॉलरशिप मिलती है। एससी कैटेगरी में बढ़िया मिल जाती है, जनरल में अच्छी मिल रही है आजकल, ठीक है। जिसमें अच्छी मिल रही है वो भी आपको बता देते हैं, आपकी किस्मत खराब रहे तो हो सकता है कि भैया जनरल में भी स्कॉलरशिप खराब हो जाए, तो ये तो आपके टोटली डिपेंड करेगा किस्मत पर। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में डीएलएड को ही मान्यता वाले फैसले को माने दिया है दोस्तों, देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो भैया अब डीएलएड का बोलबाला है। एक बात और आपको बता दें, कमेंट बॉक्स में हमने दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, जी हाँ, हमने आप लोगों के लिए एक नया टेलीग्राम चैनल बना रहे हैं यूट्यूब मतलब टेलीग्राम पर, तो उसमें जो बच्चे डीएलएड 2023 बैच से संबंधित है वो बच्चे ज्वाइन कर लें, ठीक है। बाकी इसमें जो भी आपकी क्लासेस रहेंगी फ्री वाली, सब कुछ आपको वहां पर मिलेगा, पैसे वाली कोई क्लासेस नहीं होती आपको बता दें। आप ये मत समझिएगा कि सर आपसे कोई पैसे लेंगे। देखिए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड प्रशिक्षण 2023 में प्रवेश के लिए 3,36,187 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अंतिम तिथि 31 अगस्त तक परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की वेबसाइट पर 5,09,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें से 3,38,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने फीस जमा की। आवेदन पूर्ण करते हुए प्रिंट आउट लेने की अंतिम तिथि 5 सितंबर थी। अब दोस्तों देखिए 3,38,000 यहाँ पर दिखा रहा फीस सबमिट किया, लेकिन निर्धारित तिथि तक मात्र 3,36,187 अभ्यर्थियों ने ही आवेदन पूर्ण किया। अब देखिए कुछ ऐसे 1,000-1,500 बच्चे हैं जिन्होंने कंप्लीट फॉर्म नहीं किया, उनका पैसा देखिए रिफंड नहीं होगा, लेकिन आवेदकों की स्टेट रैंक 12 सितंबर को जारी होगी। अभ्यर्थियों के वर्गवार श्रेणीवार मेरिट के क्रम में राजकीय एवं निजी संस्थानों में आवंटित सीटों के सापेक्ष चयन के लिए अभ्यर्थियों से संस्थान का विकल्प लेने एवं संस्था आवंटन के लिए पहले चरण की काउंसलिंग 15 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक चलेगी। प्रवेश के बाद दोस्तों अभ्यर्थियों की सूचना 17 अक्टूबर तक अपलोड की जाएगी। दूसरे चरण की काउंसलिंग और कॉलेज आवंटन 26 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक होगा। 20 नवंबर तक प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूचना की जाएगी। प्रशिक्षण 21 नवंबर से शुरू होगा। इस बार प्रदेश के 67 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट व सीटीई की 10,600 और 2,974 निजी कॉलेजों में 2,22,750 कुल 2,33,350 सीटों पर प्रवेश होना है। प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद डीएलएड की प्रति युवाओं का रुझान बढ़ गया है, ठीक है। तो दोस्त ये तो बड़ी बड़ी खबरें हम आपके सामने रख रहे हैं, तो चलिए तैयार रहिए। देख सकते हो 69 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में शिक्षा मित्रों द्वारा दाखिल याचिका कर दी गई है। अब शिक्षा मित्र भी बीएड के छात्रों को बाहर करवाने में लगे, देख सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों चलिए कुछ और अपडेट आती तो आपके सामने। देखिए आपको कुछ सवाल थे, कब से काउंसलिंग हो रही है, 15 तारीख से, स्टेट रैंक 12 तारीख को, काउंसलिंग में कितने कॉलेज का नाम दे सकते हैं, अनलिमिटेड, जल्दी कंप्लीट करें फॉर्म नहीं तो पैसा रिफंड नहीं होगा। चलिए तो सब खत्म हो गए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों तैयार रहिए, और अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।